ऑल राइट सोलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम जस्टिन और आप देख रहे हैं रेसलिंग ऑडियंस चैनल। तो रिसेंटली रेसलमेनिया 38 में हम सभी को एक काफ़ी बड़ा रिटर्न देखने को मिला, जो कि था कोडी रोड्स का रिटर्न, जो कि काफ़ी बड़ा रिटर्न है WWE के अंदर माना गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोडी रोड्स के टॉप 5 ड्रीम मैचेस की, जो कि आने वाले टाइम में WWE के अंदर हम सभी को देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो यार कृपया करके इस वीडियो को एंड तक देखना, आप लोगों को डेफिनेटली इस वीडियो को देखकर मज़ा आने वाला है। तो फिर आप सभी का बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी इस नई वीडियो को शुरू करते हैं। और यार, जो भी चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पर आप सभी को WWE की फास्टेस्ट अपडेट और भी काफ़ी अमेजिंग कंटेंट देखने को मिलता है। तो कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब किया जाता है, अगर 5 से 10 लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरी काफ़ी बड़ी हेल्प हो जाएगी। नंबर 5 पर मैंने जिस सुपरस्टार को रखा है वो है हमारे फिन बैलर। और मैं आप सभी को बता दूँ कि ये लिस्ट मेरी है, मैंने खुद से क्रिएट की है, बाकी आप लोग कॉमेंट सेक्शन में अपनी लिस्ट बता सकते हैं। तो अगर फिन बैलर एक ऐसा नाम है जो कि कोडी रोड्स को फेस करने के लिए एक परफेक्ट एथलीट है, और यहाँ पर पूरे WWE के अंदर काफ़ी सारे नाम होंगे जिनका आप लोग सोचते होंगे कि भाई ये लड़ेंगे, और लेकिन मैं फिर से बता दूं, ये लिस्ट मेरी है, तभी मैंने यहाँ पर नाम डाला है हमारे फिन बैलर का। तो फिन बैलर एक परफेक्ट सुपरस्टार हो सकते हैं कोडी रोड्स के लिए, और फैंस की नज़र में तो बैलर बड़ा नाम है, बट विंस मैकमैन पता नहीं क्यों उस नज़र से फिन बैलर को नहीं देखती है। तो बैलर एंड कोड्स का मैच, बैलर एंड रोड्स का मैच भी आने वाले टाइम में फैंस का ज़रूर से ड्रीम मैच होगा। नंबर 4 ड्रीम मैच की बात करें तो यहाँ पर ये मैच हो सकता है कोडी रोड्स वर्सेस रेडार सुपरस्टार एज के बीच मैच। और यहाँ पर अभी एज तो फिलहाल हमारी हील हैं और कोडी रोड्स एक प्रॉपर बेबी फेस सुपरस्टार, तो अगर WWE को इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में क्लैश करवाना हो तो भाई ये एक परफेक्ट टाइम हो सकता है साल 2022 में, और अगर साल 2022 में नहीं तो साल 2023 में तो ये मैच जरूर से हम सभी को देखने को मिल सकता है, क्योंकि एज मेरे हिसाब से अभी काफ़ी लंबे टाइम तक एक हील सुपरस्टार रहने वाले हैं। और एज एंड कोडी रोड्स का मैच काफ़ी सारे लोगों के लिए ड्रीम मैच है जब से कोडी रोड्स ने WWE के अंदर रिटर्न किया है। अगर ये दोनों सुपरस्टार फ्यूचर में आमने सामने आते हैं तो रेसलिंग वाइज वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का मैच होने वाला है। तो भाई, कोडी रोड्स एंड एज का मैच मेरे हिसाब से एक ड्रीम मैच है फैंस की नज़र में, बाकी अगर इसमें कोई चैम्पियनशिप ऐड हो जाए तो भाई तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। नंबर 3 मैच की बात करें जो कि हो सकता है प्रोबेबली कोडी रोड्स वर्सेज द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स के बीच, तो भाई ये मैच तो मेरे हिसाब से फैंस के लिए एक ड्रीम मैच होने ही वाला है। और यार, दोनों बंदे पता ना कितने कमाल के एथलीट हैं, और आई थिंक एज के साथ AJ की फ्यूड खत्म होने के बाद ये एक परफेक्ट फ्यूड हो सकती है। अगर WWE AJ स्टाइल्स को किसी बड़ी मेन पिक्चर में इंसर्ट नहीं कर रही है तो कोडी रोड्स से बेस्ट ऑप्शन कोई सा नहीं होगा WWE के पास। आई नो ये फ्यूड होने में काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि AJ स्टाइल्स जस्ट अभी एक फेस सुपरस्टार बने हैं और कोडी रोड्स को भी फैंस की तरफ से बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है, तो WWE उनको हील बनाएगी नहीं। हाँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन फ्यूचर में ये मैच डेफिनेटली मेरे हिसाब से होगा आने वाले टाइम में WWE के अंदर, और देखना इंटरेस्टिंग रहेगा WWE इस टॉइन को फैंस के सामने कितनी अच्छी तरीके से इंसर्ट करती है या फिर कहते तो पिच करती है, और इस फ्यूड में कौन सा सुपरस्टार हील होता है और कौन सा सुपरस्टार एक प्रॉपर बेबी फेस। नंबर 2 की हम लोग बात करें तो यहाँ पर नाम आता है हमारा कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का मैच। और मैं आप सभी को बता दूं कि इस लिस्ट में स्मैकडाउन एंड रॉ के दोनों के सुपरस्टार्स मैंने मिक्स किए हैं, तो यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर का नाम भी मैंने इंसर्ट किया है, और ये मैच तो आई थिंक डेफिनेटली काफ़ी सारे बंदे अब देखना चाह रहे होंगे। हाँ, पहले ड्रू मैकइंटायर इतने बड़े बंदे थे नहीं जब कोडी रोड्स थे WWE के अंदर, लेकिन अब ड्रू मैकइंटायर का भी लेवल काफ़ी अलग हो चुका है, फैंस उन्हें बढ़िया सपोर्ट करते हैं, तो ड्रू मैकइंटायर की भी आज लेवल अलग है और कोडी रोड्स की तो आज बात ही निराली है। तो भाई, दोनों सुपरस्टार उस लेवल तक आ चुके हैं, और दोनों सुपरस्टार एक टाइम पे WWE कंपनी में जॉबर हुआ करते थे, लेकिन आज यही दोनों सुपरस्टार WWE कंपनी में काफ़ी बड़े सुपरस्टार हैं। तो आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से डेफिनेटली ये मैच हम सभी को देखने को मिलेगा कोडी रोड्स एंड हमारे ड्रू मैकइंटायर के बीच। तो भाई, आप लोग बताओ, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये मैच देखना चाहते हो या फिर नहीं। और अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट के नेक्स्ट एंड फाइनल नंबर की, तो यहाँ पर नाम आता है हमारे द ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस का। और ये नाम तो आप लोग भाई थंबनेल में देखकर समझ ही गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर भाई यही सबसे बड़ा मैच है मेरे हिसाब से इस लिस्ट में, रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का। और सच बताओ ना, तो अभी मेरे हिसाब से मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भाई मेरी नज़र में
ड्रू मैकइंटायर एंड हमारे कोडी रोड्स से बेटर रोमन रेंस के लिए कोई भी ओपनर नहीं है उनकी चैंपियनशिप को छीनने के लिए, या फिर कहते तो कोई भी परफेक्ट कंटेंडर नहीं है। मेरे हिसाब से भाई मुझे दो ही बंदे नज़र आ रहे हैं जो कि रोमन रेंस से WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को छीन सकते हैं। तो भाई रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का एक काफ़ी बड़ा मैच है, काफ़ी ड्रीम मैच है, और अगर ये चीज़ हो जाती है WWE के अंदर तो बवाल हो जाएगा। रेसलिंग वाइज काफ़ी कमाल का मैच होने वाले आने वाले टाइम में WWE के अंदर। तो अगर WWE इन फ्यूचर इस मैच को बिल्ड कर रही है तो भाई मेरे हिसाब से WWE बहुत ही बढ़िया तरीके से इस फ्यूड को प्लान कर रही होगी, और क्या पता आने वाले टाइम में ये फ्यूड देखने को मिल भी जाए समर स्लैम या फिर मनी इन द बैंक के आसपास। बाकी देखो रोमन एंड कोडी का मैच होता है या फिर नहीं। तो गाइज ये थी मेरी उन 5 सुपरस्टार्स की लिस्ट जिनका मैच आने वाले टाइम में हम सभी को कोडी रोड से देखने को मिल सकता है, और अगर सबसे टॉप का मैच हो जाए रोमन वाला तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इन सभी सुपरस्टार्स के बारे में मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर से बता देना। सो वेल मरी जज की वीडियो थी वो भी यहीं तक की थी, अगर पसंद है तो लाइक के बिना कहीं मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचती रहे। सो वी विल सी माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।